मेरा नाम बाबू है, हेड कॉन्स्टेबल चार महीना ट्रैफिक का हूँ मैं। मेरे को आज ड्यूटी फंटामाला करने ड्यूटी की रही थी। अब मैं ड्यूटी यहाँ कर रहा था, अब फिलहाल 8:30 बजे पूरा रोड पूरा जाम हो गया था। इधर से चार तरफ से रोड जाम हो गया, तो बस स्टॉप जो चार मीनार का बस स्टॉप है उधर से लोग ये अपने चोमुला पैलेस के तरफ से जाना है। तो एक बच्चा उधर से आए के भाई तुम्हारे गाड़ी इधर से जाना, इधर रांग रोड है, आप नहीं जा सकते, रोड पूरा जाम है बोल के मैं भाई बोल के बात करा। तो उन्होंने क्या करा, मेरे बाजू से फिर यू टर्न कर लेके मोगलपुरा के तरफ से जा रहा था। मैं बोला भाई रोक, इधर क्यों आ रहा बोलो तो, भी नहीं सुन रहे आप, उधर चले जाओ बोलो तो। अरे टायर ना बोल तो मैं बोला टायर भाई पब्लिक को तो जाने दो बोल के बोलो तो, नहीं बोल के उन्हें मेरे पाँव के ऊपर गाड़ी चलाया। तेरा तो मैं बोला तेरा गाड़ी का नंबर प्लेट नहीं है, TR नंबर है, और तू ऐसा कर रहा कहीं को मुन्ना बोल के गाड़ी बाजू लो आपके पैर पे चढ़े तो गाड़ी शीश नहीं करे आप, वही गाड़ी बाजू लो बोला। पब्लिक को देखू मैं, अकेले को देखू, पूरा रोड पूरा जाम था, बाजू लो मैं बाद में बात करता हूँ बोल के चाबी को पकड़ना, अरे पीछे से उतर के अरे गाड़ी की चाबी लगा रहे बोल के, अरे तुरे बात करा उन्होंने वहां पे है तो पूरे लोग भी देख रहे थे। उन्होंने फिर बाजू लो बोलो तो उन्होंने हंगामा कर दिया और जो तो मेरे को गाली गलौज करा। मैं ड्यूटी पे हूँ, ड्यूटी पे गाली गलौज, हाँ गाड़ी से उतरते जो आदमी वाला गाली दे रहा, पीछे वाला उतर के गाड़ी पे तो उतर के गाड़ी लगा रहे, चाबी लगा रहे, वो ले रहे बोल के गाली दे रहा। तो बोले सीधी बात कर भाई, हाँ बोलो तो भी क्या करता रहे, मैं बता तू मैं क्या गाली गाली गलो गाली की चाबी लेने बाजू लो बोल के बोला। बोलो तो अरे पहले गाड़ी तो चाबी लगा रहे बोल के मेरे को, अरे तू रे पे आया। मैं बोला अच्छी बात कर भाई, तू गाड़ी तो बाजू ले, पब्लिक को पूरा देख रहा हूँ बोल के बोलो तो भी उन्होंने माँ भाई नो एंट्री में जा रहे थे, नो एंट्री में जा रहे थे लोग रांग रोड पे, तो रांग रोड जाने के लिए ट्राई कर रहे थे, मैं नहीं जाने दिया, नहीं जाने दिए तो वो लोग गाली गलौज करे, अम्मा भाई इनकी गालियां दिए। और चल मैं PS को लेके जा, तू चल बोल के चार महीना पुलिस स्टेशन को ले गए तो लोग हाईसो वाले वहाँ पूरे ऑटो वाले लोग पूरे जान दो साहब जान दो बाल साहब बोल के भिजा दिया। और हमारे को इतने अच्छे ऑफिसर है, हमारे को अच्छा करना, पब्लिक का सेवा करना है अपन बोल के बोलते। और ये पब्लिक हमारे को इतना सेवा करो तो भी पब्लिक हमारे को गालियां दे रहे। और पब्लिक से गुजारिश है कि पुलिस वालों को गाली मत दो, क्यों बोलते रोड पे इतना अच्छा नौकरी करते है। और ये गुजारिश है ऐसे बच्चों को जरा उनके मम्मी डैडी लोग बड़ों का कदर करना सिखाओ जरा, ऐसे बच्चे ऐसा करो तो वो अच्छा नहीं है। वो एक कितने साल का है वो बच्चा था तकरीबन 27-28 साल, मेरा 30 साल सर्विस हो गया था। 30 साल में पहली बार ये पहली बार हुआ मैं, पहले कुछ भी ना नहीं। जो बच्चा को आप रोके करे कभी पहचानते नहीं, नहीं पहचानता कौन है की कह की बच्चा। और उनको मैं भाई से भी बोला, उन्होंने मेरे को गाली दे रहे थे तो हमारा मेरे साथ तो ओमकार मैं चार महीना और पुलिस स्टेशन में कम्प्लेट दिया था, वो वहाँ से उठाने वाले उनको जाओ बोले जा रहे हाँ जाना है सर कम्प्लेट देना है। तो मैं उनको अच्छा बोल रहा था, उन्होंने मेरे को मारने मारने ऊपर ऊपर आ रहा था और मेरे को अम्मा भाई की गाली भी दिया हो। और मैं वो इतना भी समझा रहा हूँ भाई मेरी बात सुन, मेरे भाई के नाते बता चल रहे क्या करता चल, अरे तू रे से अम्मा भाई की गाली से ऊपर ऊपर आ रहा। मैं वो काल उनको समझा रहा हूँ मैं क्यों, मैं यूनिफॉर्म पे हूँ और मैं मेरा वो है कि मैं पब्लिक को मर्यादा देने का है मेरा मेरा वो वही थे पब्लिक का सेवा करने के लिए मैं हूँ। तो जी साहब आपके सीनियर इंस्पेक्टर वगैरह को बोले इन्फॉर्म करें आप ये बात। नहीं मैं GD जमदार को बोल लिया, GD जमदार को बताया तो ठीक है मैं साहब के नॉलेज में लगा तुम बोलते बोला ठीक है।